यहाँ पे जस्ट एक टैप किया पूरा पैसा गायब ऐसा। तो हम लोग सोच रहे थे कि अरे अब तो बैग गया, हम लोगों का मूड एकदम ऐसा स्पॉइल हो गया था। मैंने तो ये सोच लिया था मेरे का आज तो दिवाली की कुछ पूजा नहीं होने वाली, बस में बैग नहीं है, और इतना दिमाग खराब कि घर जा नहीं सकते, क्या करें हम। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैंने भी जगह चेंज करी, मैंने तीसरी भी जगह चेंज करी थी, मेरी भी चेंज करवा दी। तो मुझे इरिटेशन हो रही थी ना कि तुम जगह ही चेंज करवाते रहते, कहीं किसी को ऐसा ना लगे कि कोई चोर आ गया, बैग उठा के सीधे भाग रहा। दिवाली का दिन है और उस बैग के अंदर पर्स है, जिस पर्स में एक क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, यहाँ का हेल्थ कार्ड है, जितनी यहाँ की कनाडा की आईडीज हैं वो सारी आईडीज हैं। मतलब ना तो कोई आईडी प्रूफ कनाडा का हम लोगों के पास रह जाता। हेलो गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने घर में देखो आपको देख के लग रहा होगा स्वेटर क्यों पहन रखा है, क्योंकि दिवाली के दिन से मेरी ऐसी हालत है कि बुखार 2 दिन, कल भी पूरा बुखार रहा और रात से एकदम ठंड लगना चालू हो गई। थोड़ा सा मौसम बदल रहा है इसकी वजह से बुखार उखार हो गया और आज है, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा हालत ठीक रहे, स्वेटर वेटर पहन लेती हूँ क्योंकि एकदम से ठंड लगती है। और आज यहाँ पर है गोवर्धन पूजा, तो गोवर्धन का तो वहाँ पे आप लोगों को पता है उधर साइड बहुत अच्छे से पूजा होती है, गोवर्धन महाराज बनाए जाते हैं, भोग वोग लगता है। तो मैं यहाँ पर यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते, बस अपने लड्डू गोपाल को थोड़ा सा पूजन कर लेंगे कन्हैया के रूप में, और आज मैं भोग बनाने जा रही हूँ। तो जो अन्नकूट का भोग रहता है, कढ़ी चावल रहता है, और अगर मिक्स्ड सब्जी हो पाएगी तो फिर मैं अन्नकूट वाली सब्जी भी बनाऊंगी। तो पहले तो मैं वही करने जा रही थी, पूजा वूजा करके पूरा बालों में देख रहे होंगे आप चंपी वम्पी करके, एकदम चेहरा भी उतरा हुआ है, बहुत अलग सा एक्सपीरियंस था। 2 दिन से ऐसे पड़ी हुई थी मत पूछो। सदी को भी स्कूल नहीं भेज रही हूँ क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, पता नहीं क्या एलर्जी से हो गई है क्या है, तो इसलिए उसको अभी स्कूल थोड़ा सा स्किप किया हुआ है। अभी मैं बनाने जा रही हूँ किचन में कढ़ी चावल, और पूजा कर ली थी, नहा के एकदम घर वर क्लीन करके एकदम मज़े से पूरा का पूरा घर एकदम क्लीन है। वहाँ पर स्वदी अपना कोने में खेल रही है और गला भी थोड़ा सा बैठा हुआ दिख रहा होगा आपको, मतलब एकदम से, क्योंकि गले में बहुत ज़्यादा खराश हो रखी है मेरे को, गर्म पानी चल रहा है 2 दिन से। त्यौहार तो त्यौहार गया ही गया, और जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था वो मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगी। तो त्यौहार पे बहुत अच्छा तड़का जो लगा था हमारे साथ में जो हुआ था, बहुत एक अलग सा केस होते होते बच गए हम लोग, और वो मैं लास्ट में बताऊंगी, आप तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और मेरी वीडियो एंजॉय कीजिएगा। देखो छोटे से कन्हैया हमारे माखन चोर, क्या किया भैया आपने, हाँ बस गंदा कर दो सारा, नीचे गंदा कर दो सारा, पूरा बेसन से खेल लिए। इधर आओ, इधर आना, दिखाना जरा, दिखाना जरा बेसन, बेसन दिखाओ, हाथ दिखाओ, चेहरा दिखाओ अपना, चेहरा चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ, ये मुंह मुंह खाए अब ये, क्या क्या किया बाबू। कड़ी तो मैंने बनाई है, वो जो बनाई बनाई है, बाकी बेसन से पूरा ये नहा लिए हैं। चलो आओ हाथ धुलाए तुम्हारे, कपड़े देखो, देखो कपड़े, वाह इट्स सो क्यूट। ये गई भगवान जी की भोग की थाली, आज बनता है, मेनली बनता है ये कढ़ी और चावल बनता है, अन्नकूट की सब्जी बनती है जिसमें बहुत सारी सब्जियां मिक्स होती हैं। अभी मैंने मेथी आलू बनाई है और पूड़ी। तो ये है आज का भोग ठाकुर जी का। जय हो मेरे गोवर्धन महाराज, तेरे बहुत बहुत शुक्राने, हमारी पूजा को स्वीकार करना भगवान। भोग लगाओ, भोग लगाओ, भोग लगाओ। तो अभी भोग लग चुका है और अभी हम लोग खाने के लिए जाएंगे, और पूड़ी बनाई है जैसा आप लोगों को पता है मस्त, मतलब मेरे को थोड़ा सा टाइम नहीं मिला, आओ आओ, नहीं तो मैं सारी सब्जियां, जो जो सब्जी थी उसको मिला के, कई बार जितनी सब्जियां होती हरी सब्जियां मिला के गर्म मसाला वगैरह डाल के मस्त बनती है अन्नकूट की सब्जी, वो मैं नहीं बना पाई, मेथी आलू बना लिया क्योंकि सब्जियां ज्यादा थी भी नहीं। जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ, और खाना हो गया रेडी। थोड़ा सा भोग बनाते करते हुए ना लगभग लग जाता है 1 से 1.5 घंटा मुझे हो गया। अभी खाना खिला के सदी को सुलाऊंगी, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, जल्दी से निपटा देती हूँ, मेरे 2 बजने वाला है। और सदी को सुला दिया था, मैं भी थोड़ी देर आराम कर रही थी, रेस्ट कर रही थी, गला एकदम ऐसे हो रहा है, गले में बहुत ज़्यादा मेरे दर्द हो रखा है, इस वजह से कुछ बोला नहीं जा रहा है। बट मैं जैसे आपको बता रही थी कि मुझे आपको बताना था कि जो हम लोगों के साथ इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में। तो आप लोगों ने मेरे पुराने दिवाली वाले व्लॉग में देखा होगा कि जब हम लोग मंदिर में थे तो मैंने बोला था आपको कि मैं मंदिर से अब हम लोग थोड़ी देर में ऐसे घर निकलेंगे, और उसके बाद मैं बीच में कुछ भी व्लॉग नहीं दिखाया, ना बाहर का ना कुछ, डायरेक्ट हम लोग घर आ गए। और उसके बाद में मैं आपको उसके केस के बारे में बता रही थी जो हुआ था।
तो वो उसी के बीच का ही इंसिडेंट है। जब हम लोग वहाँ से लौट रहे थे तो बस नंबर जो भी रहते हैं उसमें चढ़े हम लोग, जैसे 116 बस जाती है वहाँ से डायरेक्ट जाती है जो मंदिर तक, तो हम लोगों ने सोचा कि जाके इसमें बैठ जाते हैं आराम से। और उस दिन मतलब जो भी बस आ रही थी रेड लाइट पर रुकी, तो हमने जल्दी जल्दी चढ़ने की ट्राई किया कि जल्दी जल्दी चढ़ते हैं, ये निकल जाएगी, पता नहीं 10 मिनट 15 मिनट ऐसे ठंड में खड़ा रहना पड़ेगा, तो वहाँ से आएंगे दिक्कत हो जाएगी, इससे बेटर है कि जल्दी से यही वाली बस ले लेते हैं। हम लोगों ने ली लेकिन उसमें भीड़ थी बहुत ज़्यादा, तो भीड़ की वजह से क्या हुआ, हम लोग पहले बैठे थे, सीट मिल गई थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, बट आगे चलते चलते और ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही थी। तो एक ना एजेड लेडी आई थी, तो मैंने अपनी सीट ना उनको दे दी थी, और बैग ना उन्होंने क्या किया अपना साइड में छोड़ दिया था, जो नॉर्मल एंटर करने के बाद में जो टायर वाला सेक्शन नहीं होता है जहाँ पे वो एरिया कवर रहता है, ना तो सीट होती है ना कुछ, क्या बोलते हैं उसे, जो मुझे नहीं पता, मैं वीडियो में डाल दूंगी आप देखिए, तो वहाँ की तरफ रख दिया था। अब वो एक लेडी आई है तो उन्होंने उठाया, मतलब मैं उठ के थोड़ा शिफ्ट हो गया कि सीनियर सिटीजन है इनको सीट दे देते हैं, फिर वहाँ पे बैठे हैं। उसके बाद में वहाँ से चलते चलते थोड़ा सा आगे बस पहुंची होगी, तो एक और स्टॉलर, हमारे पास तो इतना बड़ा स्टॉलर ऑलरेडी है, आगे की तरफ हम लोग थे, तो मैं एक ने मुझे बोला तुम इधर आ जाओ और थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाते हैं और वो स्टॉलर भी आगे आएगा। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैंने भी जगह चेंज करी, मैंग ने तीसरी भी जगह चेंज करी, तो मेरी भी चेंज करवा दी, तो मुझे इरिटेशन हो रही थी ना कि तुम जगह ही चेंज करवाते रहते हो बस में हमेशा और एक जगह पर नहीं बैठते हो। तो फिर मुझे बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे जब किसी को नीड होती है तो फिर थोड़ा हेल्प कर देना चाहिए, और स्टॉलर उनके पास भी है और फिर एजेड लेडी है, तो वो अपनी सीट छोड़ दी थी उन्होंने और स्टॉलर के लिए, ताकि वो बस के अंदर आ पाए, उन्होंने अपनी सीट छोड़ के आगे बढ़ गए थे, क्योंकि आगे बढ़ बस जैसी बढ़ रही थी थोड़े लोग कम हो रहे थे, थोड़े बढ़ते जा रहे थे, हम लोग झटपट में उतर गए, बैग वहीं रह गया। उसके बाद में हम लोगों को अपने घर आने के लिए लगभग 4-5 स्टॉप के लिए बस लेना पड़ता, तो हम लोगों का तो टैप था ही, मतलब प्रेस्टो कार्ड से हम लोगों ने प्रेस किया हुआ था, तो हम लोग वॉक ना करके 1.5 किलोमीटर है जहाँ तक हम लोग नोफ्रल जाते हैं, तो वहाँ से हम लोगों को बस लेके घर आना था, तो हम लोग जल्दी जल्दी में वाली बस आ रही थी, उसका स्टॉप थोड़ा सा आगे था, तो हम दौड़ते दौड़ते ये स्टॉलर ले रहे हैं, और मैंने बस को रोका क्योंकि जैसे ही वो स्टॉप पे रुकी तो लोग उतरे हैं, लोग उसमें इतने भरे हुए थे कि वो लोग दूसरी बस में, बता रही हूँ, दूसरी बस में से उतरे हैं, तो हम लोग तुरंत चढ़ गए। चढ़ने के बाद जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं, मैं मुझसे पूछ रहे हैं पैक का है, मैं पूछ रही हूँ कि मेरे पास थोड़ी है, क्योंकि मैं तो ऑब्वियसली बात है मैं तो ना कोई पर्स कैरी करती हूँ ना कुछ, और हमेशा ये बैग कैरी करते हैं मयंक ही करते हैं, हमेशा का है, और जब ये कोई चीज़ लेके जाते हैं तो इतना जिम्मेदारी से लेके जाते हैं कि मुझे 1% भी ये नहीं लगता है कि कहीं रह जाएगा या इसमें से कोई चीज़, मैं अपनी चीज़ों को भी एकदम निश्चिंत हो जाती हूँ इनको देख के कि इनके पास रहेगा। फिर उसके बाद में वहाँ से हम लोग निकले हैं और मैं बोल रही मेरे पास तो बैग नहीं था, ये मुझे बोलते हैं बैग कहाँ गया, बैग रह गया शायद, किस बस में रह गया ध्यान नहीं, क्योंकि ये वाली बस, मैंने कहा ये वाली बस में तो था ही नहीं, 4-5 स्टॉप में हम लोग उतरे, वो लगता है बड़ी वाली बस में, फिर एकदम से इनको ध्यान आया कि वो बड़ी जो लॉन्ग रूट वाली बस थी 116 उसमें हम लोगों ने बस छोड़ा, मतलब वो बैग छोड़ा है शायद, मैंने आगे रखा था मुझे याद है, फिर हम लोग जल्दी जल्दी में उतर गए थे, तो मेरे को ध्यान नहीं। आप सोचो कन्फ्यूजन इतना, दिवाली का दिन है और उस बैग के अंदर पर्स है, जिस पर्स में एक क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, यहाँ का हेल्थ कार्ड है, जितनी यहाँ की कनाडा की आईडीज़ हैं वो सारी आईडीज़ हैं, मेरे दोनों कार्ड है, मेरा फ़ोटो आईडी है, मयंक का ड्राइविंग लाइसेंस है यहाँ का कनाडा का, मतलब ना तो कोई आईडी प्रूफ कनाडा का हम लोगों के पास रह जाता अगर वो खो जाता तो, और सोचो और क्रेडिट कार्ड से एक बार बस यहाँ पे टैप करा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा सिक्योरिटी रीज़न वाला नहीं है कि आप टैप करोगे आपको ओटीपी आएगा, जब आप ओटीपी डालोगे तो फिर आप आराम से उसको पैसे को यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे जस्ट एक टैप किया पूरा पैसा गायब ऐसा, तो हम लोग सोच रहे थे कि अरे अब तो बैग गया, और घर की चाबी भी उसके अंदर थी, दिवाली के दिन सच में हम लोग का दिवाला निकल चुका है, घर की चाबी उसके अंदर, सब कुछ ऐसा हो गया अब क्या करें ना, तो बाहर इतना ठंडा हो गया था, समझ में नहीं आ रहा, घर जा नहीं सकते और बैग कहाँ से ढूंढे समझ में नहीं आ रहा था, फिर और दोस्तों को इन्होंने कॉल किया, फिर सब लोगों ने बोला कि TTC कस्टमर केयर पर कॉल करो, वहाँ कॉल किया तो उन्होंने बोला कि हम आपको आधा घंटे के अंदर कॉल करके बताते हैं, आप लोगों ने बताया कि 116 बस में रह गया आपका बैग, चेक करके ट्रैक करके आपको बताते हैं, क्योंकि संडे का टाइम था, 6 बजे उनका ऑफिस बंद होने वाला था और ये केस हुआ हम लोगों के साथ 5 बजे, तो आधा घंटे का टाइम दिया था उन्होंने बताने के लिए कि वो पूछ के बताएंगे, देख के बताएंगे बस में बैग है या नहीं, बट आधा घंटे तक सबर नहीं हो रहा था, मैं एक दिन दोबारा फ़ोन किया उनको आधा घंटे बाद, तो उन लोगों ने बोल दिया कि आप लॉस्ट एंड फाउंड में जाके मंडे को अब आप देखिएगा, बस में बैग नहीं है,
और इतना दिमाग खराब कि घर जा नहीं सकते, क्या करें। हम सोसाइटी के अंदर तो आ गए थे, बट फ्लैट की चाबी भी तो होनी चाहिए जिसके अंदर हम लोग जाके, और ये पूरा केस चलता रहा है 6 बजे तक। तो हम नीचे ही फ्लैट में, मतलब बिल्डिंग के बाहर खड़े रहे हैं, 6 बज गया, ऐसे ही टाइम निकल गया। फिर हम लोगों ने एक स्पेयर की अपनी जो है बुलाया, मतलब लैंडलॉर्ड को बुलाया यहाँ की, उसने उसके पास एक डुप्लीकेट की थी जिससे हम लोगों ने घर के अंदर एंटर किया। फिर एंटर करने के बाद में मैंग बोले कि ऐसा करता हूँ, उतरे थे वहीं, उससे आगे एक स्टेशन है जहाँ पर से बस चलती है, वहाँ से मतलब एक राउंड लगा लगा कर आती है, वहीं से चलती है, सोर्स है, और वही उसका डेस्टिनेशन बन जाता है, वही उसका सोर्स बन जाता है। तो फिर मैंग बोलते हैं वहाँ जाके चेक कर लेता हूँ मैं, 2 घंटे का टाइम रहता है, मैं अभी जाऊँगा 2 घंटे टैप क्योंकि कर देता हूँ प्रेस्टो से, तो 2 घंटे में जितनी भी 116 बस आएंगी वो मैं चेक कर लूँगा। तो मैंग ने यहाँ से अपना आईडी उठाया है, पासपोर्ट वगैरह उठाया है, सो दैट वो वेरीफाई कर पाए कि ये जो बैग है वो मेरा ही है करके, और कोई क्योंकि कोई और आईडी बची नहीं थी मैंग के पास, बाकी सारी उस पर्स के अंदर थी। तो फिर सोचा कि क्या करें, मैंने यहाँ से अपनी आईडी उठाई है, सारा बैग लिया है, और उसके बाद में गए स्टेशन पर। और राधा रानी की कृपा बताऊँ मैं आपको, जैसे ही वो स्टेशन पहुँचे सेम बस वहाँ से चक्कर लगाकर, मतलब एक राउंड और हम लोगों को छोड़ने के बाद में वो वापस गई होगी वहाँ सेम मंदिर वाली जगह पर जहाँ पर वो लक्ष्मी नारायण का मंदिर था, उस पूरे रूट पर, और उसके बाद वापस आई है। और वापस आने के बाद में जैसे ही वो आए 116 के स्टॉप पर, वो लोग गए, मतलब ये मयंक गए हैं, उन्हें सामने एज इट इज़ बैग रखा हुआ मिला, सामने जैसे उन्होंने छोड़ा था वैसे ही ये गए हैं, इन्होंने आओ देखी ना ताओ सीधे सीधे घुस गए अंदर, और उसके बाद बैग उठा रहे। आगे जितने पैसेंजर्स और लोड हो रहे हैं या चढ़ रहे हैं उस बस में, इनको कोई खबर नहीं है, मुझे आके बता रहे थे, कह रहे इतना बुरा हाल हो गया था मेरा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है सारे डॉक्यूमेंट्स चले जाएंगे आपके, सबसे बड़ी बात है सब कुछ ब्लॉक कराना पड़ेगा, दोबारा से आपको आईडी बनवानी पड़ेगी, तो कितना झंझट है। एक अगर ये नहीं होता तो सच में हम लोग का पूरा नवंबर बर्बाद हो जाता, सारे ब्लॉक्स कराने पड़ते कार्ड, और ऊपर से आईडी दोबारा से बनवानी पड़ती, वो एक हेक्टिक काम हो जाता। वैसे भी अभी हम लोग को इंडिया जाना है 1-1.5 महीने बाद, तो और सरदर्दी हो जाती, लेकिन इन्होंने आओ देखी ना ताओ सीधे घुसे हैं। आगे लोग बोल रहे हैं कि आप पुशिंग, मतलब यू आर जस्ट पुशिंग मी, प्लीज वेट फॉर टर्न, वेट फॉर योर टर्न, ऐसे करके, बट इनको तो बिल्कुल यकीन नहीं हुआ उसके बाद। सच में ये तो ठाकुर जी की कृपा है, नहीं तो आज मैं तो ये सोच रही थी, मैं यहाँ पे घर आ गई हूँ उसके बाद इतना इतना रोना आ रहा था ना, ऐसा लग रहा था दिवाली का दिन है भगवान, आज ही के दिन ऐसा क्यों होना था। और फिर लगा कि जो करता है ठाकुर जी बहुत अच्छा करता है, इससे ही हमें ये सबक मिला कि यार सारी चीज़ें, जैसे मयंक को थोड़ा आदत है सब एक साथ अपने पास रखने की, और कभी इन्होंने नहीं रखा है अभी अपना पर्स में, बैग में कभी पर्स नहीं रखते हैं ना चाबी घर की, ये सब अपनी पॉकेट में या जैकेट में रखते हैं। तो सारे कार्ड्स वगैरह मैं इनको बोलती थी कि थोड़े सेपरेट कर दो, इतना क्या आप सब कुछ लाद के चलते हो, सब कुछ लेके चलते हो, लेकिन इनको थोड़ा आदत है। फिर अभी वो सबक हम लोगों को ठाकुर जी ने दिया है कि सब कुछ अलग 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 जगह पे रखो, थोड़ा सा कहीं थोड़ा सा कहीं थोड़ा सा, और जब जो जो जरूरत हो वही कार्ड लेके जाओ, ऐसा नहीं पूरा भर के लेके चले, सारे सारी चीज चली जाना, मतलब सब कुछ चला जाना। कनाडा का मतलब एक डेटा नहीं था, मेरा नहीं था, मेरा भी सब मयंक के पास ही रहता था, और मयंक का तो था ही था, मतलब सब कुछ चला जाता सब कुछ। तो गाड़ी में गए हैं लेने के लिए, तो कहीं किसी को ऐसा ना लगे कि कोई चोर आ गया बैग उठा के सीधे भाग रहा है, क्योंकि उन्हें तो कहीं जाना नहीं था ना, उन्हें तो सिर्फ अपना बैग चाहिए था। तो ड्राइवर को बोल के आए थे कि ये मेरा बैग रह गया था और मैं इसे पिक करने के लिए आया हूँ, तो उसने ड्राइवर ने बोला कि ठीक है आप TTC कस्टमर केयर पे बोल दीजिएगा कि आपको आपका बैग मिल गया है। वैसे जनरली ऐसा होता है, वो ड्राइवर बता रहा था कि किसी का भी अगर सामान रह जाता है तो ड्यूटी इन लोग की जब ऑफ होती है, चाहे वो 10 बजे हो 9 बजे हो जो भी है जो भी टाइमिंग होगा, तो ये लोग लॉस्ट एंड फाउंड में सबमिट करते हैं जो भी सामान होता है, तो लगभग उसके कुछ टाइम बाद तक तो रहता है, आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, अगर होगा तो वो लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो हम लोग तो ये सोच रहे थे अगर आज नहीं मिला तो फिर कल तक का वेट करते हैं मंडे को, बट सच में ठाकुर जी की कृपा है कि वो सामने दिख गया, सेम टाइम ये गए हैं मयंक यहाँ से उस स्टेशन पहुँचे हैं, सामने से बस आ रही थी, सामने बैग देखा, इतना तसल्ली पड़ी सच में ना, इतने शुक्राने निकले ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो इसीलिए कभी भी ऐसा कुछ हो तो कस्टमर केयर पे कॉल करके आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, या फिर लॉस्ट एंड फाउंड में रिक्वेस्ट आपको रजिस्टर करनी पड़ेगी, सारी आईडीज और अपना मतलब सब डिटेल्स वगैरह देनी पड़ेगी, उसके बाद आपको पूरा स्पेसिफाई करना पड़ेगा किस कलर का बैग था, क्या था क्या नहीं, वो लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये था मेरा उस दिन का एक्सपीरियंस, जिस टाइम हम लोगों का मूड एकदम ऐसा स्पॉइल हो गया था, मैंने तो ये सोच लिया था मेरे का आज तो दिवाली की कुछ पूजा नहीं होने वाली, मैं व्लॉगिंग भी नहीं करूंगी ना, मैं आगे कुछ व्लॉग बनाऊंगी, बस दिया जला दूंगी लक्ष्मी जी के आगे, क्योंकि पूरा मूड एकदम खराब हो गया था। लेकिन जब उनका कॉल आया ना कि बैग मिल गया, तो तसल्ली हुई। उसके बाद जितना व्लॉग देखा आप लोगों ने, उसके बाद का व्लॉग है जब मैं घर आ चुके हैं, बैग आप लोग को मिल चुका है।
मैं आप लोगों से ये सब इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि देखो गलती किसी से भी हो सकती है, हमारा ये टर्न था, तो क्या पता इससे कोई एक्सपीरियंस अपना एक्सपीरियंस में शेयर करके किसी को मदद कर सकती हूँ। अभी ऐसा किसी के साथ हो तो DTC में कॉल कर सकते हैं, कस्टमर केयर में, उन लोगों के पास सारी गाड़ियों का ट्रैक होता है। वो एक अलग बात है, अगर वो काम करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसी बीच मैंने ना पुलिस को भी कॉल कर दिया था कि 911 भी कॉल करके कि कुछ तो सपोर्ट मिलेगा एटलीस्ट, मतलब वो गाइड कर पाएंगे कि और क्या ऑप्शन है या क्या कर सकते हैं। आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आज के वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मैं मिलूंगी कल नई वीडियो के साथ। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल स्वधीज वर्ल्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।